अवसर पर आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो बच्चों, आप लोगों के ही प्यार के कारण आज हमारा अपना परिवार 20,000 सब्सक्राइबर के पास पहुंच गया है। अगर बच्चों आप लोगों का यूं ही प्यार बना रहा तो आगे चल के ये चैनल मिलियनों में फेमस होगा। भगवान से हम यही दुआ करते हैं कि आपका ये नया वर्ष, ये नव वर्ष एकदम लकी हो जाए और आप अपनी सफलता के लिए हमेशा आगे बढ़ें और आप हमेशा बच्चों यूं ही मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, फूलों की तरह सुगंधित होते रहें। तो लेट्स गेट स्टार्ट बच्चों अपने वही टॉपिक पर। और गुड बाय 2020 एंड आप हैप्पी न्यू ईयर, वेलकम टू 21। तो 21 के साथ कुछ नया स्पेशल होने जा रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, वही पुराना, क्योंकि कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस इज द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है बच्चों, तो एक दिन आपके जो सफलता होती है आपकी चरण चूमेगी। तो बच्चों यही लेकर के हम चलेंगे, क्योंकि अपना पिछला लेक्चर ही, क्योंकि वही हम पढ़ेंगे और अपने माइंड में ये सोच के रखेंगे नहीं हमें टॉप करना है तो करना है बच्चों। तो यही सोच के अगर आप अपने माइंड में चलोगे ना, तो एक दिन सफल जरूर होंगे। और आज के दिनों बच्चों हम अपने उन गुरुजी को सत सत नमन उनके चरणों में करना चाहते हैं जिन्होंने आज मुझे इस योग्य बनाया। क्या हम इस लायक पहुंच सकते थे? नहीं। गुरु वो होता है, पहला गुरु तो माँ बाप होते हैं जो शिक्षा देते हैं, और दूसरे गुरु शिक्षक होते हैं जो उंगली पकड़ के तो नहीं सिखाए रहते हैं, लेकिन किस मार्ग पे चलना होता है ये तो ऑलरेडी बताए होते हैं बच्चों। गुरु उसी कुम्हार की तरह होते हैं, जिस तरह हम लोग तो कच्चे मिट्टी के बर्तन हैं, जिसी आकार में ढाल दिया जाएगा उसी आकार में हम ढल जाएंगे। लेकिन ऊपर से तो चाक पे चढ़ती है ना मिट्टी के बर्तन, आप लोग देखे होंगे बहरहाल, तो ऊपर से तो बनता रहता है, बनाते रहते हैं, किस आकार में कुम्हार ढालते रहते हैं, कुम्हार को गुरु की उपमा दी गई है बच्चों। लेकिन नीचे से सहारा लगाए रहते हैं हाथ, कि कहीं वो बर्तन, वो बच्चे टूटने ना पाए, बिखरने ना पाए। तो हमेशा गुरु का सम्मान करिए, और आज मैं उन गुरु को सत सत नमन करना चाहती हूँ बच्चों, क्योंकि आज हम जिस योग्य यहाँ पे पहुँचे, इस मुकम्मल को प्राप्त किए, तो आज उन्हीं की देन है। तो इसी बात पे बच्चों लेट्स गेट स्टार्ट। गुरु जी का हमेशा सम्मान रखिए, उन्हें खुश रखिए, और हैप्पी न्यू ईयर आपको तहे दिल से बच्चों, क्योंकि नव वर्ष आने वाला, नव वर्ष आपके लिए खुशियों का भंडार लेकर के आए, आपकी झोली में संसार की सारी खुशियां डाल दें। और इसी के साथ हम अपना टॉपिक चलते हैं, ड्रा ए सर्कल पे। सर्कल बना रहे थे, गोला बना रहे थे, पूरी दुनिया गोल मटोल, क्या बात है। चलिए, तो ड्राई सर्कल विद हेल्प ऑफ अ बैंगल। एक सबसे पहले हम बच्चों बनाएंगे सर्कल। होता क्या है, सर्कल तो अभी हम कंपास की सहायता से लेकर के बनाते थे, बट यहाँ पे बैंगल, कोई भी आप चीज़ रख सकते हो गोले टाइप में, या फिर आप ऑलरेडी जैसे चूड़ियाँ नहीं होती हैं गोले टाइप में, कुछ और भी गोला एक बना देंगे। समझ में आ गया, गोला बन गया, मैनेज कर लेंगे बच्चों, इतना आर्ट मेरा बढ़िया नहीं है कि गोला बन जाए। चलिए, तो ड्राई सर्कल विद हेल्प ऑफ अ बैंगल, टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। कहा गया है कि सर्कल से एक पॉइंट हमें बाहर लेना है, एक्सटर्नल, इट्स मीन्स माइंड तुरंत लगाओ फटाक से, क्योंकि आपको कोई भी कंपटीशन क्रैक करना है बच्चों, तो फटाफट आपको माइंड तो स्ट्रांगली बनाने होंगे ना। चलिए, आज तो खुशी की बात होगी क्योंकि नया वर्ष है भैया। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ द सर्कल। यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट कुछ भी ले सकते हो, ओके, तो वहाँ से हमें टेंजेंट्स बनाने होंगे। टेंजेंट्स की कंडीशन ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन उसके पहले हम दो कॉर्ड की कंडीशन बनाते हैं। ले लेते हैं ए बी एंड सी डी, दो कॉर्ड की कंडीशन हो गई ए बी एंड सी डी। और इसे पैरेलल क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता है कोई भी आपका सर्कल, सॉरी, होता है, अगर पैरेलल बना लेते हैं तो इससे कंपास को रख के एक आर्क, उसी लेंथ से यहाँ पे आर्क, यहाँ यहाँ बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ से भी अगर लगाते हैं आर्क, ऐसा पॉइंट्स आपके एक ही पॉइंट पे दोनों ओवरलैप हो रहे हैं, तो ओवरलैप कंडीशन नहीं करना है, यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग की कंडीशन नहीं ले आनी होगी, तो इसीलिए हम इसे बनाते हैं पैरालेल की कंडीशन में नहीं, इसे कुछ ऐसा।
इस टाइप का। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं एक कंपास की नोक को हम रखेंगे एंड पेंसिल की यूज से बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट्स को रख करके यहाँ पे आर्क लगा लिए। उसी लेंथ का, बिल्कुल भी लेंथ छोटा बड़ा नहीं करना है। बार बार हम कंपास से ले लेके नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपको 2-4-10 लेक्चर्स में बच्चों बता दिया गया है, ये लगभग 10 के आउटसाइड लेक्चर चल रहा है, तो कितनी बार कंपास आप देखोगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा वही लेंथ का हमने यहाँ पे ऐसा बना लिया, तो ये बन जाता है पॉइंट्स कुछ ऐसा, ऐसे कट होकर के आ रहा है, देख रहे हैं। यहाँ पे जब आप लेंथ लेंगे कंपास की सहायता से, तो जितनी लेंथ का यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे उतनी लेंथ का यहाँ पे, फिर बी के पॉइंट से एक लेंथ बना लिए, एक आर्क लगा दिए, एक आर्क यहाँ लगा दिए। अब सी पॉइंट से जब उतनी लेंथ का आर्क लगाएंगे, एक आर्क यहाँ हमारा लग जाता है, फिर एक आर्क डी से यहाँ पे, फिर सी से यहाँ पे एंड डी से भी यहाँ पे। तो इस पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, ओवरलैपिंग की कंडीशन हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है, हो रही हो तो बताओ, बिल्कुल हो रही है, नहीं हो रही है। तो ये पॉइंट्स जिस पॉइंट्स पे ऐसे टच होगा, ये पॉइंट जो होगी सी डी, अगर आपको पैरेलल ऐसा भी ना समझ में आया बच्चों, तो आप सी डी को ऐसा भी कुछ बना सकते हो, सीडी को ऐसे भी बना दिए। तो ये पॉइंट्स जिस पॉइंट्स पे टच हो रहा है, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, ओ। हमने क्या ले लिया है, पॉइंट थोड़ा सा ऊपर टच होगा, ये पॉइंट हमने ले लिया है ओ। अरे भैया कोई सर्कल बन गया है, दो कार्ड की कंडीशन बनाए हैं, ए से पॉइंट्स के लेंथ लेकर के एक आर के यहाँ लगाए, एक आर के यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ दोनों को ज्वाइन कर दिए, सेम कंडीशन। सी से भी एक आर के यहाँ, यहाँ, फिर एक आर के यहाँ पे कटे, ओवरलैपिंग की कंडीशन हो रही है, पॉइंट्स जो टच हो रहा है वो हमारी कंडीशन हो जाती है ओ। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बनाना है, बहुत ही ईजी है। फिर हमने क्या किया है कि टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, इस सर्कल के बाहर एक पॉइंट हमने ओ लिया है, सॉरी पी लिया है, और ओ पी को हमने क्या किया है, ज्वाइन कर दिया है। ज्वाइन करने के बाद कंस्ट्रेंट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ दिस सर्कल, इस सर्कल से हमें टेंजेंट्स की कंडीशन, टेंजेंट्स पता होता है, कोई भी सर्कल होता है, सिर्फ उसके एक ही पॉइंट्स पर जो टच होता है वो हमारे टेंजेंट्स हुए। तो इसे हम क्या कर देते हैं, पी ए से ऐड कर देते हैं, कुछ ऐसा। क्या ये हमारे टेंजेंट्स लग रहा है, आपका ये रॉन्ग मेथड है बच्चों। ए से कहाँ पे ज्वाइन होगा, नहीं, ए तो हमारा कार्ड है, ये ज्वाइन होगा इस पे, तो जो कि T1 पे ऐड हो रहा है, T2 पे, T1 T2, ये कुछ ऐसा, ऐसे ही मॉडल में बनेगा ना, ऐसे ही मॉडल में टेंजेंट्स बनाने के लिए कुछ ऐसा ही बनेगा फिगर। लेकिन अभी तो आप टेंजेंट्स लगाओगे कैसे, टेंजेंट्स पता होता है, जब टेंजेंट्स बनाने होते हैं, कोई भी सर्कल होता है, एक सर्कल और जब बनाते हैं, तो ये बनाने के लिए हम इस पॉइंट से ऐसा कुछ है, ओ है, पी है, इस पॉइंट से हम क्या करते हैं, एक मिडिल टर्म, आधे से ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा हम क्या लेते हैं, लेंथ लेकर के एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, एंड फिर इस सेंटर से एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, दोनों को ज्वाइन करते हैं, तो ये जो मिड पॉइंट होता है, ये हम इसी को मिड पॉइंट को लेकर के एक सर्कल बनाते हैं। जब सर्कल जाता है बच्चों, तो ये टेंजेंट्स हम क्या करते हैं, यहां से आकर के इसे ऐड कर देते हैं, तब जाके बनता है, लेकिन कंडीशन कुछ यही बनेगी। तो फटाफट नोट डाउन कर लेंगे आपको बच्चों, कंडीशन क्या बनेगी, ऐसे ही कुछ कंडीशंस बनेगी, बिल्कुल भी आप ध्यान में रखेंगे, एक भी पॉइंट्स आपके मिस नहीं होने चाहिए। तो नोट डाउन हो गया है ना बच्चों, तो यहाँ तक कुछ कंडीशन हमारी ऐसे ही बनी थी। अब आगे के कंडीशंस में क्या करते हैं, तो यहाँ पे जब हम बताए थे आपको ना टेंजेंट्स किस तरह से लेना है, तो यहाँ से कंपास की सहायता से हम देखेंगे, हाफ से ज़्यादा पी एंड ओ के लेंथ को देखना है, बहरहाल और किसी को कहीं नहीं देखना है, अपना ध्यान सिर्फ पी एंड ओ पे। पी एंड ओ को जब हम इंटरसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे बच्चों, तो उसकी लेंथ को लेकर के टोटल हम एक सर्कल बनाएंगे, एंड सर्कल की सहायता से उसे हम क्या बनाते हैं, टेंजेंट्स। इट्स रूल, 2 × 2 = 4 ही होता है, जस्ट 5 नहीं होने वाले हैं, तो वो रूल है बच्चों। तो अब क्या करते हैं, हाफ से ज्यादा हमने क्या किया है, एक आर्क काट ले लिया, फिर यहाँ पे एक आर्क लगा दिया, फिर ओ पॉइंट से वही कंडीशन करते हैं, कुछ ऐसा लगा, तो इसे हम ले आ करके आपस में ज्वाइन कर दिए, ये पॉइंट हमारा हो गया यम, मिड पॉइंट यम, इट्स मीन। अब यहाँ से रख करके एक सर्कल बना लेते हैं, ए पी को अभी छोड़ देते हैं, बाद में लिख लेंगे, मान लेते हैं नीचे ही लिख देते हैं। तो यहाँ से कंपास को रख करके टोटल ये हमने एक बना लिया सर्कल, देख रहे हैं आप,
सर्कल कुछ ऐसा बन गया। तो ये तो मिड पॉइंट्स है ना। अब जब सर्कल बन गया तो इस टेंजेंट से यानी एक्सटर्नल पॉइंट से दिए गए सर्कल से हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन पी इसे ले लेते हैं T1 एंड T2। ये जाके आपका पूरा का पूरा टोटल बन गया फिगर। अब जब जो फिगर बना है सो कॉल टू कहता क्या है, इंट्रोडक्शन। अरे भैया चैट सेक्शन में लिखना नहीं बोलोगे, उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन, रचनाएं, हमने क्या रचनाएं किया है। आफ्टर दैट आपको बताएंगे जस्टिफिकेशन, क्या बात है। चलिए डालते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हमने किया क्या है, रचनाएं किया है। क्या क्या बनाते हो, घर बनाते हो ना, घर बनाते हो तो रचना ही तो किया जाता है कि सब कुछ उसका सामान ले आ करके रख देते हैं, कुछ बनाते ही नहीं। बिना बनाए ईंट से सीमेंट जो होता है, सरिया ऑलरेडी सब कुछ रख दिया जाए, बनेगा? अरे भैया कुछ नहीं बनने वाले जब तक उसमें रचना ना किया जाए। उसमें महान महान आते हैं कलाकार जो घर बनाते हैं, टोटली पता लगे दीवार बना रहे हैं, चीटेप से नाप रहे हैं, हो गया उल्टा, तो क्या बात है। तो उसे भी होता है आर्टिस्ट यानी कि कलाकारी। माइंड में बहुत सारे दुनिया में एक एक कलाकार पड़े हुए हैं, तो सबके अलग अलग पॉइंट्स होते हैं बनाने के। तो इस तरह से आप भी सीखो पढ़ना, मेरा कहने बताने का ये मतलब था आप भी आर्टिस्ट बन जाओ पढ़ने में। जिस तरह से शेक्सपियर माने जाते हैं महान इंग्लिश में, उसी तरह से आप भी बनो। संस्कृत के कालिदास महान विजेता माने जाते हैं कि बहुत ज़्यादा जो ज्ञानी थे वो संस्कृत में, आज तक कालिदास से बढ़ के कोई नहीं हो पाए, शेक्सपियर से बढ़ के कोई नहीं हो पाए। तो आपके माइंड में भी तो शेक्सपियर जैसा कुछ है, तो सफलता होने का राज क्या है, कुछ दूसरा थोड़ी पढ़ के किए हैं। तो हम आप एक पॉइंट्स भी नहीं यूज़ करते, समुद्र होता है ना उसका एक बूंद भी हम अगर यूज़ कर लेते अपने माइंड को, एक कण के बराबर भी हम अपना माइंड नहीं घिसते। अगर जितना घिसोगे उतना चमक आएगी आप में, समझ में आ गया बच्चों ना। तो अपने आप को ये नहीं है कि ईंट पत्थर लेके घिसना माइंड शुरू कर दो, ये नहीं। पढ़ते पढ़ते, पढ़ाई करते करते, ध्यान लगाते लगाते, इट्स मीन्स ये मतलब होता है घिसना अपने आप को। ये नहीं पत्थर लेके जुट गए मैम कहीं है घिसना, तो भैया चलो घिसने लगो बर्तन को। कहते नहीं, बर्तन जितना कस के आप धुलोगे उसको घिसोगे उतनी चमक आएगी, उसे अपने आप को घिसो। तो 21 में ऐसा कुछ करो कि कुछ भी कंपटीशन की तैयारी करो, कुछ भी आप पढ़ाई कर रहे हो, नंबर वन पे आओ, हौसला बुलंद रखो हमेशा। समझ में आ गया ना। तो चलिए, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमने किया क्या है, सबसे पहले हमने एक डायग्राम बनाया है। डायग्राम इट्स मीन्स एक फिगर बन चुका है, होगा क्या। स्टेप्स नंबर फर्स्ट में हमने क्या किया है, सर्वप्रथम हमने एक सर्कल बनाया है। करेंगे क्या कि ड्रा ए सर्कल, एक सर्कल बनाया है विद द हेल्प ऑफ ए बैंगल। एक बैंगल की सहायता से हमने क्या किया है, एक बैंगल की सहायता से हमने एक सर्कल बना लिया है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट में आपने क्या किया है, कुछ पता है, कोई दो हमने कॉर्ड लिया है, तो होगा क्या, उसे लिखेंगे टेक, सॉरी TAKE होगा, टेक एनी टू नॉन पैरालेल, क्योंकि पैरालेल तो है नहीं, कि पैरालेल है भैया नहीं है, तब भी पैरालेल लिखते चलो ध्यान में रख के। तो पैरालेल ये आप करोगे कि टेक एनी टू पैरालेल, हमने दो पैरालेल लिया है, दोनों पैरालेल लिए हैं, टेक एनी टू PARALLEL पैरालेल कॉर्ड है क्या, AB and CD, AB and CD आपका कन्फर्म हो चुका, कॉर्ड हो गया। एंड थर्ड पॉइंट में आपने क्या किया है, थर्ड पॉइंट में हमने किया है कि ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू दीज सर्कल्स, हमने सर्कल को बाइसेक्ट कर दिया है। तो उसे लिखेंगे कैसे, कि हमने परपेंडिकुलर लिया था बच्चों, तो उसे लिखेंगे कि ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होगा क्या, ड्रा परपेंडिकुलर हमने लंबवत खींचा है बाइसेक्टर्स, बाइसेक्ट को ऑफ दीज सर्कल्स,
इस सर्कल्स में हमने बाइसेक्ट किया है, यानी कि पॉइंट्स को हमने परपेंडिकुलर को खींचा है। यहाँ तक समझ में आ गया ना? दीज ये क्या होगा, सॉरी कॉर्ड्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉर्ड्स खींचे हुए ना, ड्रा परपेंडिकुलर लंबवत खींचा है बाइसेक्टर, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, किसको प्रतिच्छेदित कर रहा है। भैया जिसके ऊपर जाता है उसे प्रॉब्लम होती है ना, कहीं बैठे रहो आपको कोई डिस्टर्ब करे, कहे नहीं भैया यहाँ से उठो, मुझे दो ये अपना प्लेस, तो कहोगे भैया कि हम तो यहाँ पे बैठे थे या फिर मेरा जगह है, कहते नहीं ऐसे गांव में बहुत ज़्यादा होते हैं ना कि ये मेरे जगह है वो मेरा जगह है। तो बाइसेक्टर्स प्रतिच्छेदित करती है, उसको तोड़ते काटते हुए आती है ऑफ दीज, किसके कॉर्ड्स के। और कॉर्ड्स क्यों लिखा गया है प्लूरल, इसलिए है क्योंकि ए बी फर्स्ट एंड रैंकिंग सेकंड सी डी, ओके। एंड फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे आफ्टर दैट, आपको क्या किया गया है यहाँ पे, तो पॉइंट बनाता है जब बाइसेक्ट कर लेता है, मेक पॉइंट ओ जो कि हुज क्या है सेंटर ऑफ द सर्कल, तो होगा क्या मेक पॉइंट ओ हुज सेंटर, जो कि सेंटर है ऑफ द सर्कल, सर्कल का क्या है सेंटर है। भैया सेंटर एंड सर्कल में बड़ा अंतर है, सेंटर एक पॉइंट होता है, पॉइंट पॉइंट से ही मिलकर के, यानी फेंटिव सेंटर से ही मिलकर के क्या बनते हैं सर्कल बनते हैं, इन्फिनिटिव। तो इस सर्कल हैव टू, सर्कल रखता है अपने पास इन्फिनिटिव इनफाइनाइट, सॉरी इनफाइनाइट सेंटर एंड इनफाइनाइट टेंजेंट्स, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स होंगे उतने टेंजेंट्स बनते हैं और सारे के सारे सिस्टम हमारा सर्कल कहलाता है। तो कितना अच्छा सर्कल है ना बेचारा। चलिए फाइव पॉइंट करते हैं, ओ पॉइंट बन गया। अब हम क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल पॉइंट हमने ओ ले लिया है, तो होगा क्या टेक एनी एक्सटर्नल पॉइंट, टेक एनी एक्सटर्नल पॉइंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया है ओ पी, टेक एनी एक्सटर्नल पॉइंट ओ पी, ओ पी सॉरी ओ पी नहीं होगा ओनली पी, एंड ज्वाइन, और क्या किया है ज्वाइन ओ पी, ओ पी को हमने मिला दिया, एक एक्सटर्नल पॉइंट पे पी लिया एंड ओ पी को क्या किए मिला दिए। एंड सिक्स नंबर पे आ गया क्या, जब हम ए ओ पी को मिला देते हैं तो होगा क्या, ओ पी को बाइसेक्ट भी तो यम किया है, तो बाइसेक्ट यम सॉरी बाइसेक्ट ओ पी, ओ पी को बाइसेक्ट किया है तो यम हमारा क्या हो गया एज ए सेंटर, यानी कि बाइसेक्ट ओ पी, ओ पी को बाइसेक्ट कर दिए हैं यम पॉइंट, तो यम हमारा हो जाएगा सेंटर। तो यम को जब हम सेंटर लेंगे तो ओ एम हमारा रेडियस बहरहाल होगा ही बाय चांस, तो ओ एम एंड पी एम हमारा रेडियस हो जाएगा, तो उसे ले करके हमने एक ड्राई सर्कल बना दिया। तो लिखेंगे कैसे, बाइसेक्ट ओ पी, लेट यम बी द, सॉरी स्मॉल नहीं रहेगा कैपिटल रहेगा, क्योंकि इसमें स्मॉल लिखोगे इसमें कैपिटल आपका रॉन्ग मेथड बना जाएगा। तो लेट यम बी द, क्या है यम मिड पॉइंट, मिड पॉइंट टेक अ रेडियस, टेक ओ एम एज ए रेडियस, ओ एम को हम क्या किए हैं रेडियस ले लिए हैं, अगर ओ एम को रेडियस ले लिए एंड ड्रा ए सर्कल, एक सर्कल हम खींच देते हैं ड्रा ए सर्कल, ये देखें। और सेवन पॉइंट क्या करते हैं, जब ड्राई सर्कल एक सर्कल आप बना दिए हैं तो आपका होगा क्या कि इसे इंटरसेक्ट करता है, लेट इट इंटरसेक्ट द पी टी वन एंड पी टी टू, इंटरसेक्ट हो गया है तो इंटरसेक्ट करता है हमारा, एक ही कंडीशन, एक ही कंडीशन हमारी क्या होती है इंटरसेक्ट करता है, तो करेंगे क्या कि लेट इट इंटरसेक्ट ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल ऑफ गिवन पॉइंट्स, पॉइंट्स क्या होंगे गिवन होंगे कौन कौन सा, टी वन एंड टी टू, टी वन एंड टी टू, अरे भैया टी वन एंड टी टू को बाइसेक्ट करता है कौन, कहने का मतलब है लेट इट इंटरसेक्ट ऑफ दिस सर्कल, ये जो सर्कल है उसको बाइसेक्ट किया जाता है किसके द्वारा, उसे मिलता है टी वन एंड टी टू को। अब ज्वाइन पी टी वन एंड पी टी टू, एक पॉइंट में हम क्या करते हैं ज्वाइन पी टी वन एंड पी टी टू, पी टी वन पी टी टू को चले भैया हम मिला दिए कोई बात नहीं, दोनों आपस में फ्रेंडशिप तो करा गया। होता क्या है आफ्टर दैट हम बनाते हैं दीज आर द रिक्वायर्ड कंडीशन, जब भैया दोनों में फ्रेंडशिप हो चुकी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
दुश्मनी तो एक टाइप्स की बिल्कुल भी नहीं है। तो आगे के कंडीशंस में ये लिखेंगे कि दीज आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। आपको कंफर्म यही तो बताना था ना, दीज आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स भैया, कि टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द सर्कल, ये जो सर्कल है उसके टेंजेंट्स बनाना एक्सटर्नल पॉइंट पे। तो सारे के सारे मेथड को हमने बता दिया कि एक सर्कल बनाएं, दो कॉर्ड ले लिए ए बी सी डी, बाइसेक्ट करता है जो कि ओ ओ पॉइंट मिला। आप ये ओ पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है नहीं भैया, ओ पॉइंट हमारा सेंटर है ऑफ द सर्कल का। एक एक्सटर्नल पॉइंट पे पी लिया, ओ पी को ज्वाइन कर दिया, एंड एम पॉइंट को बाइसेक्ट करके OM को रेडियस लेकर के एक ड्रा सर्कल कर लिए, और T1 एंड T2 को ऑफ द सर्कल का जो था उसे बना लिए हम टेंजेंट्स, PT1 PT2 को ज्वाइन कर दिया ऑफ द दीस आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हो गए। आई गेस आपको लेक्चर बहुत 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 ही इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो फटाफट एक इस सेशंस को आप थम्स अप जरूर देंगे, क्योंकि आपके ही थम्स अप से हमें भी होता है नहीं, हमारा पढ़ाया हुआ बच्चों को जरूर समझ में आ रहा है। तो चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। जाना आपको कहीं नहीं है, अभी जाइए मत, अभी तो पढ़िए। बताए क्या है कि आप स्ट्रिक्ट होकर के पढ़िए, सेंसिबिलिटी अपने अंदर रखिए कि नहीं पढ़ना, हमें आगे बढ़ना है बच्चों। तो एक दिन आप ज़रूर अपने एम को, अपने जो गोल है, अपने अचीव को जरूर प्राप्त करेंगे, जरूर फाइंड करेंगे बच्चों। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसी लेक्चर्स में हम आपको जस्टिफिकेशन की चर्चा करेंगे, बताएंगे, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। तो नोट डाउन हो गया बच्चों, कोई प्रॉब्लम? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप चैट सेक्शंस में लिखना नहीं भूलेंगे, विदाउट एनी हेजिटेशंस आपको सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर कराए जाएंगे। हम हैं तो क्या गम है, तो बिल्कुल भी आपके टीचर्स आपके सामने या कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है बच्चों, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, क्योंकि अगर आज नहीं पूछ लेंगे तो वही एक पॉइंट आगे चल के क्या बन जाएगा, एक दीवार बन जाएगा, जिससे कि आपकी आगे बढ़ने की जो कोशिशें होंगी उसमें वो दरार डालेगा। तो ये पॉइंट्स आप अपने अंदर से हटा दीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, ये देख रहे हैं, इम्पॉसिबल भी कहता है आई एम पॉसिबल, मैं पॉसिबल हूँ, तो जब असंभव भी कहता है कि संभव हूँ, तो जो संभव है उसको क्यों आप नहीं मान लेते कि यह संभव हो सकता है, क्यों उसे असंभव मान के बैठे हो, आखिर क्यों, प्रॉब्लम क्या है इसमें, आपकी गलती है ना। तो आज से 21 से आप दूर करोगे कि नहीं, इसे 21 से ऐसा कुछ करो कि नहीं दूसरे भी लगे कि नहीं भैया वो आगे बढ़ रहा है, वो सक्सेस का आखिर राज क्या है, मेरे भी तो अंदर क्षमता है, इतना कैपेसिटी है कि हम भी पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या होना चाहिए, सिर्फ कॉन्फिडेंस एंड जोश, जुनून पढ़ने के जज्बा होना चाहिए कि हम भी एक दिन इस एग्जाम को क्रैक करेंगे। अगर यही चल के आप चलते हो तो ज़रूर एक दिन आगे बढ़ोगे। नहीं सोचते हो सुबह 4 बजे कौन उठे, अरे नींद लगी है मम्मी, कौन उठे, नींद लगी है, वही नींद तोड़ो, सो कुछ सोने वाले सब कुछ खो देते हैं, जो जागता है रातों रात वही एक दिन सफलता को चूमता है, सफलता की ऊंचाइयों को वही प्राप्त करता है। हम ये नहीं कह रहे हैं सारी रात तुम जागते ही रहो, पागल हो जाओगे, अरे भैया टाइम टू टाइम पढ़ो, रात में 11 बजे तक पढ़ लो, सुबह उठ के 4 बजे फिर पढ़ो, 2 घंटे तो कम से कम 6 बजे तक पढ़ो, 1.5 घंटे पढ़ो, कहते हैं मैक्सिमम 1 ही घंटे पढ़ो, लेकिन जो पढ़ो क्लियरिटी पढ़ो, उसे तैयार रखो, हमेशा याद करो। ओके तो चलिए जस्टिफिकेशंस में क्या होता है, नहीं तो पढ़ डालो 12 के 12 घंटे, याद एक भी पॉइंट नहीं हुआ, तुम बुक को देखो बुक आपको देखे, कुछ याद होने वाला है नहीं, 4 ही घंटा पढ़ो लेकिन उसे कंफर्म समझ के पढ़ो, रट्टा मत मारो, समझने की कोशिश करो। अगर कोई भी चीज़ आप समझ लेते हो और एक्सप्लेनेशन अदरवाइज सेकंड से कर देते हो, जैसे टीचर होते हैं तो किसी से पढ़े हैं फिर आपको समझा रहे हैं, तो वो होती है सिंसियरिटी। ओके तो ऐसा माइंड रखिए। तो चलिए जस्टिफिकेशन क्या होता है, हमने क्या किया है, PT1 PT2 तो हमारे टेंजेंट्स हो गए हैं, एंड T1O एंड T2O हमारा क्या है, रेडियस है। तो कहेंगे क्या कि ज्वाइन OT1 एंड, अरे भैया एंड अच्छे से बन जाओ, एंड OT2, OT1 एंड OT2 को हमने क्या किया है, ज्वाइन किया है, इस पॉइंट्स में हमने ज्वाइन कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, OT1, OT2 को हमने ज्वाइन कर दिया। अब आफ्टर दैट हमारा आता है एंगल PT1, यहाँ पे एंगल
पी टी वन ओ इक्वल टू एंगल पी टी टू ओ, पी टी वन ओ इज इक्वल टू पी टी टू ओ, क्योंकि ओ टी वन ओ टी टू रेडियस है आप द सर्कल का, पी टी वन पी टी टू हमारा है क्या भैया टेंजेंट्स है, तो एंगल पी टी वन भैया टी वन ओ को हमने क्या किया प्रूव कर दिया, तो इसकी फ्रेंड्स इसकी इक्वलिटी इससे है, तो कहेंगे भैया जब ये हो गए तो हमें भी होना है, सिमिलरली करके हम ये भी प्रॉफिट थोड़ा सा आप कमाओ, थोड़ा सा आप कम से कम स्मार्ट बनो, स्मार्ट बनने की कोशिश करो, पुराने जमाने को आप छोड़ो, पुराने जो होते हैं उससे चल के आगे बढ़ो भैया, मॉडर्न बनो। तो होता क्या है, ऐसा ना मॉडर्न बनो कि अपने अंदर एटीट्यूड ले आ दो, नहीं, मॉडर्न उसे नहीं कहते। तो जो लोग समझते हैं मॉडर्न बन रहे हैं एटीट्यूड ले आ रहे हैं, नहीं, मॉडर्न होता है इस अपने आप को स्मार्ट बनाओ, क्या तुम किसी दूसरे से कितना बेहतर कर सकते हो, ये कंडीशन होती है, कंडीशन ऑफ द स्मार्ट की, मॉडर्न की। तो ज्वाइन ओ टी वन एंड ओ टी टू को, अब ओ टी वन ओ टी टू को हमने ज्वाइन कर लिया है, आफ्टर दैट लिखेंगे क्या, एंगल पी टी वन ओ इज एन एंगल ऑफ द सेमी, सॉरी इन इज एन एंगल इन द सेमी सर्कल, इन द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का ये क्या है, एंगल है। वी नो दैट, हमें कन्फर्म है बच्चों, इतना तो बार बार हम बता रहे हैं कि आपको पता होता है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल, जो सेमी सर्कल का एंगल होता है वो क्या होता है, हमेशा इज 90 डिग्री, इट्स मींस राइट एंगल। डब्ल्यू आर नहीं लिखेंगे, लिखने वाला नहीं लिखना है आपको, आर आई जी एस टी, राइट एंगल, ओके कन्फर्म हुआ। तो इट्स मीन्स ये क्या हो जाएगा, एंगल पी टी वन ओ इक्वल टू 90 डिग्री, इतना कन्फर्म हो गया। तो वेयर, जहाँ पे हमारा क्या होगा, ओ टी वन इज परपेंडिकुलर टू किसके, पी टी वन के, सिंस लिखेंगे क्या, सिंस होता क्या है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू, रेडियस इज परपेंडिकुलर का चिन्ह होता है, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स, टेंजेंट्स ये क्या है, थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग। अब क्या होगा, वेयर जहाँ पे ओ टी वन क्या है, ओ टी वन इज द रेडियस, इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का ये क्या है, रेडियस है, हमें पता हो गया है। अभी हम पी टी टू को नहीं निकाल रहे हैं, मल्ली टू वल्ली पी टी वन ओ का निकाल रहे हैं, एंड पी टी वन क्या है, पी टी वन इज आल्सो, ये क्या है, इज आल्सो क्या है, टेंजेंट्स है, इज आल्सो टेंजेंट्स, ये हमारा टेंजेंट्स हो चुका। सिमिलरली जब हमें पता हो गया है बच्चों, सिमिलरली जब पी टी वन हो गया है आपका टेंजेंट्स, तो सिमिलरली पी टी टू तो भी होगा, क्योंकि टेंजेंट्स में पी टी वन इक्वल टू पी टी टू, ये हमारे हैं टेंजेंट्स, इक्वल होंगे आपस में, ओ टी वन इक्वल टू ओ टी टू, ये इक्वल होंगे रेडियस, कन्फर्म हुआ ना। तो जब फर्स्ट इक्वल टू टू सेकेंड, तो सिमिलरली पी टी टू इज आल्सो टेंजेंट्स, ये भी हमारे क्या होंगे, टेंजेंट्स होंगे, यहीं पे कंडीशन आ जाती है हेंस प्रूविंग की। खत्म, कहानी खत्म। चलिए, कहानी खत्म क्यों हुआ है बच्चों, इसलिए हम कहे कहानी खत्म क्योंकि आपको पता होगा बच्चों, आज के बाद से हम कंस्ट्रक्शन का जी छोड़ रहे हैं, चल रहे हैं हम एक्सरसाइज 11.2, देख रहे हो ना, अब हम एक्सरसाइज 11.2 नहीं, कम से कम लिखेंगे 12.1। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे 12 का, तो फटाफट आप नोट डाउन कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम्स हो बच्चों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, और हम हाँ यही कहेंगे कि हमेशा अपने हौसलों को बुलंद रखिए, और फिर से हम दोबारा अगेन टू नए वर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं तहे दिल से करना चाहते हैं बच्चों आपको, और यूं ही आप अपना प्यार बरकरार रखेंगे तो ये अपना चैनल एक दिन 20,000 सब्सक्राइबर से, इस परिवार के सदस्य से चल के ये मिलियन में जाएगा, 20 मिलियन में जाएगा। तो थैंक यू डियर, ऐसे ही आप अपना प्यार बरकरार रखिए, यूं ही आप हंसते और मुस्कुराते रहिए। तो चलिए फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।